پیمانه بده که خمار هستم، پیمانه بده که خمار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم، بده بده که خمار هستم، پیمانه بده که خمار هستم. چشمت که با او خودم میماند، رویات با گلاب های چمن میماند، گل را بکنید ورق ورق بوی کنید، بالا لای زاری به وطن بیاید، پیمانه بده که خمار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم، بده بده وای وای، بده بده وای وای وای. تمہیں اپنے شوہر پر کس حد تک اعتماد ہے؟ کس معاملے میں؟ تمہارے معاملے میں. کیا تمہیں لگتا ہے تمہارا شوہر کسی دوسری عورت میں؟ शायद अपने ऊपर तो मैं पूरा एतमाद नहीं कर सकती, मगर इस बात पे पूरा एतमाद है कि वो किसी और औरत पर नज़र भी नहीं डालते. ये कैसी बात कर रही हो? एक तरफ तो तुम खुद पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हो और दूसरी तरफ ऐसा कह रही हो. क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बताया तो था डिनर पे जाने. ये तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या हुआ है. साहब आज भी कुछ नहीं लोगे क्या? वो मेरा मतलब है कढ़ाई वाले कुर्ते दुपट्टे. एक बात बोलूं, खाना ही खिलाना होता है ना, तो यहीं पे खिला दिया करो. अपने घर क्यों लेकर जाते हो? मेरा भी टाइम खोटा करते हो और अपना नाम भी खराब करते हो. मैं तुम्हें घर नहीं लेकर जा रहा, अपने एक दोस्त की फैक्ट्री लेकर जा रहा हूँ. उससे बात किया मैंने तुम्हारी क्लास में, अच्छा तुम्हें वहीं जाना होगा. चलो तुम्हारे हस्बैंड को क्या हुआ था? इश्क. वो तो जाहिर सी बात है, तुम उनसे इतना प्यार करती हो तो. वो पकड़ाना. कौन सा? हरा वाला. थैंक यू. मेरा मतलब है उनकी डेथ कैसे हुई थी? अल्लाह ना करे उनकी डेथ नहीं हुई. अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी. वो मरे ज़रूर थे लेकिन अपनी सेक्रेट हमारी मोहब्बत की शादी थी, लव मैरिज. शादी के 4 साल बाद ही मोहब्बत पर इश्क गालिब आ गया और मोहब्बत के सामने इश्क का क्या जोर चलता. सो मैं हार गई. तो तुमने उन्हें जाने कैसे दे दिया? तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं ना, और मैंने सुना है बच्चे तो रिश्तों को.
मैं भी ऐसे समझती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जो रोज नए नए ड्रामे करके मेरे साथ निकलती हो ना, इसे अपनी जीत मत समझना, और ना ही मेरी कमजोरी। मेरा बस चले तो तुम्हें तुम्हारे ससुराल के दरवाजे पे फेंक के आऊं, या फिर इस खाई से नीचे धक्का दे दूं तुम्हें मैं। ओहो, इतना गुस्सा, खाई से नीचे फेंक दूंगा। गुस्से में प्यारे बहुत लगते हो तुम। सुनो, कभी कभी गुस्सा कर लेना, कोई बात नहीं। हाँ, वैसे 3 सालों में कुछ तो सीखा तुमने, चाहे वो गुस्सा करना ही क्यों ना हो। और तुमने पता नहीं क्या क्या सीख लिया। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी और टली की वजह से परेशान हो, लेकिन अब तो सारे घर वालों को भी पता लग गया कि क्या सच है। पता नहीं क्यों ऐसे सूजा हुआ मुंह बना के खड़े हुए हो। है तो नहीं, मगर हो तो सकती है ना। तुम फैक्ट्री क्यों नहीं जा रही? मैंने पता किया, तुम एक भी दिन काम पर नहीं गई। मुझे नहीं जाना वहाँ। क्या मतलब? मैंने वहाँ तुम्हारी खातिर। साहब, मैंने कहा था कि मेरे लिए नौकरी ढूंढो। मगर यहाँ भी तो, यहाँ तुम्हारे हुनर की ना कदर है और ना कीमत लगती है। ये हुनर इसकी बात करते हो? ये कपड़े इनको खरीदता कौन है? ये तो सिर्फ एक पुलिस वालों से बचने का बहाना है, वरना सबको पता है कि इन फुटपाथों पर क्या बिकता है। चलो साहब।
अरे आप कब आए? मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका। क्या हुआ यासर? आपकी आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको पता है आज मैंने सारी आपकी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। तो फिर हूं ना मैं सुखड़ और समझदार बीवी। क्या हुआ यासर? आप घबरा क्यों रही हैं? नहीं नहीं तो इस गाड़ी को तो पहचानती है ना आप, आपके अब्बा की है। अब्बा भी आए हैं? नहीं वो तो नहीं आए, लेकिन मुझे भेजा है आपको कॉलेज से घर छोड़ने के लिए। आपको भेजा है अब्बा ने? मैं आपकी फोन पे बात करवा दूं? नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। अब्बा ने तो एतबार कर लिया और लेने के लिए भेज दिया। अब अगर आप भी इस बंदे पे भरोसा करके आगे बैठ जाएं तो कम से कम खुद को ड्राइवर नहीं समझूंगा। जी। अब उस तरफ। ओह, सॉरी। बिखरे बिखरे से चैना मेरे।
ऐसा मूड क्यों बनाया है? अब ये कौन सा ड्रामा है? और कम से कम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैं तुमसे झूठ बोलूंगी आसिफ, तुम्हारे लिए मैं 100 झूठ बोल सकती हूँ, पर तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं रहा है? था एक वक्त था जब मुझे खुद से ज्यादा तुम पर यकीन था, लेकिन यह एतबार तुमने खोया और अब सर से पैर तक सिर्फ झूठ और फरेब हो तुम। मैं जो भी हूं, जैसी भी हूं और जिस हाल में नजर आ रही हूं ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी मोहब्बत ने यह हाल किया है मेरा। अगर मेरी मोहब्बत ने तुम्हें इसी तरह बर्बाद ही करना है तो फिर छोड़ दो मुझसे मोहब्बत करना। आखिर दिया क्या है तुम्हें इस मोहब्बत ने? क्या मिला तुम्हें? बोलो बोलो, क्या मिला तुम्हें इससे? तुम मिले हो मुझे। और मुझे क्या मिला?